السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ومن تبيهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. فقال الإمام بن حجر الأسقلاني رحمه الله الباب السادس باب المساجد عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه له بلوغ المرام من أدلة الأحكام كي حديث نمبر 195 अभी आपके सामने पढ़ी गई है और ये बाप की पहली रवायत है आज से हम अल्लाह रबारबिन के करम और उसकी तोफ़ी और उसके फ़जल से किताबुस सलात का ये छठा बाब बाबुल मसाजिद शुरू कर रहे हैं बाबुल मसाजिद का मतलब हुआ मसाजिद का बयान मस्जिद मसाजिद मरूफ लफ्ज़ है मस्जिद की जमा मसाजिद है जिसमें लोग इबादत के लिए जमा होते हैं जमात नमाज पढ़ते हैं सजदा करते हैं उसको मस्जिद कहा जाता है इस इसको सारे लोग जानते हैं यहाँ अब मराम में बाबुल मसाजिद बाबुलमसाजिद सलात में लाने का मकसद ये है कि मस्जिद के तई हमारी क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं मस्जिद कैसे रखना चाहिए मस्जिद में क्या करना जायज़ है और मस्जिद में हमें क्या नहीं करना चाहिए इन्हीं मसाइल को बाबुल मसाजिद के अंदर जिक्र किया जाएगा और इसी मौजू पर हदीसें इस बाब में आएंगे, क्योंकि नमाज़ मस्जिद में अदा की जाती है और बाजमात पढ़ी जाती है जमात से नमाज पढ़ना ज़रूरी है इसीलिए किताब सलात के अंदर मस्जिद के मौजू से मुतल यहाँ अदीसें बयान की जाएंगी बाप की जो पहली हदीस है उमन हज़रत आशा सुदीक रल तह बयान फ़रमाती हैं कि अमर रसूल सल्लाम बिबेनाजी फूर अमरा, अमरा या हुक्म देना हमारा रसूल अल्लाम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है बिबिना बेबिनाजिद बना यबनी मने बनाना होता है उसी का ये मज़र है बिना और बिना से पहले एक बा है वो जर का है बिबिना बेबिनाजिद बना माने बनाना अमस्जिद की जवा मसाजिद मसाजिद मस्जिद बनाने का रसोल ने हुक्म दिया है मस्जिद तामीर करने का अल्लाह के रसूल सल्ल ने हुक्म दिया है हमारा रसूल सल्हलम मसाजिद अल्लाह के रसूल सल्लाम ने मसाजिद बनाने का हुक्म दिया है मस्जिद तामीर करने का हुक्म दिया है फिर दूरी दूर माने महल्ला दूर ये दार की जमा है दार की माने होता है घर लेकिन यहाँ मुराद क्या है महल्ला क्योंकि कई घर जब बनते हैं तो उसको महल्ला कहा जाता है तो हर हर महल्ले में हर हर एरिए में मस्जिद का बनाना ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है मस्जिद की तामीर बहुत ज़रूरी है महल महल्ले में मस्जिद हो ये बहुत ज़रूरी है इसका बड़ा फ़ायदा ये होता है मस्जिद करीब होगी लोग जल्द मस्जिद पहुँच जाएंगे जमात से नमाज पढ़ेंगे बूढ़े बुज़ुर्ग भी आसानी के साथ मस्जिद आ सकते हैं और क़दम कदम पर जब इसका अहतमाम होगा यानी हर हर मोहल्ले में मस्जिद बनेगी तो उस मस्जिद का असर ये होगा कि बेनमाज़ी कम होंगे नमाजी ज़्यादा होंगे मस्जिद जब ज़्यादा बनेगी महल्ले महल्ले में छोटी ही सही क्यों ना हो मस्जिद बनाई जाए मस्जिद बनेगी मस्जिद की तमीर होगी उसका असर ये होगा कि नमाजियों की तादाद बढ़ेगी समाज और माशरे में नमाजी तबका ज़्यादा होगा आज हमारा अलमिया ये है कि मुसलमान मस्जिद के ताल्लुक़ से बहुत कोताह है मस्जिद की जिम्मेदारी से बहुत पीछे है मस्जिद हर हर महल में ज़रूर बननी चाहिए चंद घर हो एक एरिया हो नई आबादी हो नया इलाका हो चार घर हो पांच घर हो एक छोटी मस्जिद वहाँ ज़रूर बनना चाहिए वहाँ बच्चों का पढ़ना बच्चों का मकतब और वहाँ के लिए तरबियत का इंतज़ाम हो तालीम का इंतज़ाम हो और अदान और जमात और दुरुस्त का अहमाम हो इसका इंसानी समाज पर बहुत गहरा असर पड़ता है इसीलिए अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम ने महल महल में مسجد بنانے کا حکم اه امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور محله میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد بنانے کا اه وان تطي وان تنظف وتطيب نظف ينظف تنظيف من يعني صاف کرنا یہاں يعني فعل مجهول ہے ان تطيب ان تنظف وتطيب नज़फ़ा यू नफ़ो त तंज़ीफ़ माना होता है साफ़ करना गंदगी और नापाकी दूर करना गंदगी और नापाकी ख़त्म करना पाक करना साफ़ करना व अन तो और ये कि मस्जिदों को पाक साफ और पाकिज़ा बनाया जाए

धुनी की शक्ल में हो या खुशबूदार चीज रखी जाए ये अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है अमर रसूल सल्हसम बिबिनामसाजिद अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है मस्जिद बनाने का मस्जिद बनाने के ताल्लुक से हुक्म दिया है मस्जिद तामीर करने का हुक्म दिया है फिर दूर महल महल में व अन तो और ये कि मस्जिद को साफ़ रखा जाए व तो तैयबा और खुशबुओं में उसको बसाया जाए खुशबू लगाई जाए मस्जिदों में खुशबू रखी जाए मस्जिद को खुशबूदार बनाया जाए इस बात का अल्लाह के रसूल ने हुक्म दिया यानी तीन हुक्म दिया है नंबर एक मस्जिद बनाने का हुक्म दिया है नंबर दो मस्जिद को पाक साफ रखने का हुक्म दिया है नंबर तीन मस्जिद को खुशबू से बसाने का हुक्म दिया है मस्जिद में खुशबू रखी जाए मस्जिद को खुश खुशबूदार बनाया जाए ताकि यहाँ खुशू खुशू के साथ इत्मीनान और सुकून के साथ रुकू सुजूद कर सकें मस्जिद में गंदगी होगी मस्जिद में कचरा होगा मस्जिद में बदबू होगी तो इससे दिल मुतनफ़िर होता है और आदमी की तबीयत उचाट हो जाती है और खुशो खुजू का अहतमाम नहीं रह सकता है तो लिहाजा मस्जिद का माहौल पुरसकून बनाने के लिए ये तीन तालीम अल्लाह के नबी सात उसम ने दी है यहाँ पर इस हदीस के अंदर कि मस्जिद को साफ़ किया जाए पाक साफ रखा जाए और उसमें खुशबू लगाई जाए खुशबू रखी जाए ताकि इतमान और सुकून के साथ खुश व के साथ अल्लाह की बंदगी की जा सके गंदगी होगी कचरा होगा बदबू होगी तो फिर आदमी क्या होता है इससे कबीदा खातिर होता है मुतनफ़िर होता है सुजूद करने में आदमी को अच्छा नहीं लगता है و ابو व و हो इस हदीस के इमाम अबूदाऊद ने इमाम अहमद ने और इमाम तिरमिदी ने बयान किया है मुसदाद की रवायत है सुनन तिरमी की रवायत है सोलन अबूदाऊद की रवायत है वसु और इमाम तिरवीदी रहमोल्ला ने इसके मुरसल होने को सही करार दिया है इमाम तिरवीदी रहमुल्ल् के नज़दीक ये रवायत क्या है मुरसल है मुरसल एक हदीस की किस्म है शखल बानी रहमल्ला ने इस रवायत को सही करार दिया है शखल बानी रहमुल्ला ने इस हदीस को सही करार दिया है हदीस का तर्जुमा एक बार एक फिर से देख लीजिए अन आय शतर रदी अल्लाह तक कलरत आशादी रदी अल्लाह तवायत बयान करती हैं अमर रसूल सल्लम्ल के रसूल सल्ला नेक्म दिया है बेबिनाजिद मस्जिद तमीर करने के लिए मस्जिद बनाने का हुक्म दिया है फिर दूरी महल में महल में मस्जिद बनाने का और तमीर करने का अल्लाह के रसूल सल्ला वसल् ने हुम दिया है और उसकी क्या फजल बयान की है मम बना मस्जिद बना अल्लाह लाबलोफिल्जन्ना कि जो आदमी अल्लाह के लिए घर बनाता है यानी मस्जिद बनाता है अल्लाह ताला उसको वैसे ही जन्नत में घर बनाता है तो मस्जिद बनाना चाहिए मस्जिद की तमीर में बरतर करके हिस्सा लेना चाहिए कोई आदमी जमीन दे या ज़मीन का पैसा दे कोई आदमी बिल्डिंग खड़ी करे इमारत खड़ी करे और मस्जिद बनाए मस्जिद की तमीर करे उसमें चंदा दे उस मस्जिद को संभाले मस्जिद को चलाए हाँ तो ये अल्लाह के नबी नबीम तो ने हुक्म दिया है क्योंकि मस्जिद का एक बहुत गहरा असर समाज पर होता है माशरे की असलाह में बच्चों की तरबियत में और अफराद की की ट्रेनिंग में अफराद को संवारने में रिजाल बनाने में मस्जिद का बहुत बड़ा किरदार होता है इमाम का बहुत बड़ा किरदार होता है मेम्बर का बहुत बड़ा किरदार होता है मस्जिद के दुरुस्त का बड़ा किरदार होता है बच्चों की तालीम के लिए सुबह शाम के जो आ, मकतब का जो निज़ाम चलता है उसका एक बहुत गहरा असर पड़ता है तो मस्जिद की तमीर बहुत अहम चीज है अल्लाह के नबी सला जैसे मदीना पहुँचे सबसे पहला काम आपने ये किया कियाबा में मस्जिद कबा की तामीर की जब मदीना पहुँचे प्यारे नबी साम ने मस्जिद नबी की पहली तामीर की प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस तलीमत और इस अमल के नतीजे में जहाँ भी साहब कराम गए जहाँ पहुँचे जहाँ फतूहत का दौर शुरू हुआ जहाँ पहुँचे जहाँ गए जहाँ अपना ठिकाना बनाया वहाँ पे सबसे पहला काम मस्जिद बनाई मदरसा बनाया मस्जिद बनाई मदरसा बनाया ये अल्लाह के नबी नबीसम की तालीमत का नतीजा है तो आपने हुक्म दिया है महल में मस्जिद की तामीर करने का व अन तो व अन तो नज़फ़ा व तो तय ये कि मस्जिद को पाक साफ रखा जाए इसका भी हुक्म दिया है और मस्जिद को खुशबुओं से बसाया जाए मस्जिद में खुशबू रखी जाए मस्जिद को खुशबूदार बनाया जाए इसका भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है रवाहद अहमद इमाम महमद बिन हंबल ने इस हदीस को बयान किया है व अबू दाऊद इमाम अबू दाऊद ने बयान किया है व तीजी तिर्मिज़ी ने बयान किया है वसाहा इरसा लहू और इमाम तबीजी रह ने इस रवायत के मुरसल होने को सही करार दिया यानी उनके नद्दी की रवायत क्या है मुरसल है ये रवायत मुरसल सही है मरफूवन नहीं इस से जो बातें मालूम हुई नंबर एक मस्जिद की तमीर करना चाहिए मस्जिद की तमीर में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए दूसरी बात यह मालूम हुई कि हर हर महल मस्जिद होनी चाहिए हर हर मुस्लिम महल में मस्जिद होनी चाहिए जहाँ पे चार चार घर बन गए पांच घर बन गए तो वहाँ एक छोटी मस्जिद होनी चाहिए हर हर मोहल्ले में मस्जिद की तमीर होनी चाहिए नंबर तीन मस्जिद को साफ़ सुथरा रखना चाहिए मस्जिद को साफ़ सुथरा रखना चाहिए मस्जिद की सफ़ाई सुथराई में हिस्सा लेना चाहिए देखिए इब्राहीम और ताला इनके बारे में क्या कहता है व आहिद ना व इस्माइल

मस्जिद की सफ़ाई सुथराई में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए और मस्जिद को पाकिज़ा और साफ़ सुथरा बनाना चाहिए यहाँ गंदगी नहीं होनी चाहिए यहाँ कचरा नहीं होना चाहिए यह खुश की बात है कि हम मस्जिद की सफाई में हाँ, अपना वक्त लगाए अपनी मेहनत कुर्बान करें अपना पसीना बहाएं ये बहुत बड़ी खुशनसीबी की बात है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक बद्दू ने पेशाब कर दिया तो आपने सहाब को फौरन हुक्म दिया कहा जाओ उसको साफ़ करो वहाँ पानी गिराने का हुक्म दिया मस्जिद की सफाई की आपने तालीम दी है इसी तरह मस्जिद नबी में एक औरत एक खातून एक सहाबिया मस्जिद की सफाई का अहतमाम करती थी मस्जिद की सफाई सुथराई में आ, कुर्बानी देती थी उनका इंतकाल हो गया तो अल्लाह के नबी सात उनके जनाजे पे गए और उनकी कबर पर गए जनाजे भी नहीं उनकी कबर पर गए और जनाजे की नमाज़ पढ़ी गई चूँकि प्यारे नबी साम जनाजे में शरीक नहीं हो पाए थे चूँकि रात का वक्त था साहब कराम ने रात ही में उनकी तदफीन कर दी और अल्लाह के नबी सातलम को मालूम नहीं हो सका बहरहाल जब आपको मालूम हुआ तो आप उसकी कबर पर आए और उस सहाबिया की जनाजे की नमाज़ आपने आ, कबर पर पढ़ी है तो वो कौन सी खातून थी वो मस्जिद में झाड़ू लगाती थी मस्जिद की सफाई सुथराई का ख्याल रखते थे तो इस हदीस से एक बात ये मालूम हुई कि मस्जिद को पाक साफ रखना चाहिए साफ़ सुथरा रखना चाहिए इसी तरीके से मस्जिद में खुशबू का इस्तेमाल करना चाहिए खुशबू रखना चाहिए मस्जिद को खुशबू में बसाना चाहिए इस हदीत से एक आखिरी बात ये मालूम होती है कि हमारे दीन में सफाई सुथराई की बड़ी ताकत की गई है हम हम पाक रहें हमारा कपड़ा पाक साफ रहे हमारा घर पाक साफ रहे मस्जिद पाक साफ रहे हाँ साफ सुथरा रहे ये हम मतलूब है हमारी शरीयत में सफाई की ताकद की गई है और सफाई सुथराई ये हमारे ईमान का हिस्सा है बल्कि ये ईमान का आधा हिस्सा है निस्फ हिस्सा है अल्लाह ताला से दुआ है قلت اللهم سبك وسبك انك منقدرك التوفيق قد افعم يا رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته